थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि आपका ये यूनिट कहाँ कहाँ लगता है और ये इसका पर्पस क्या है? ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। आपको गुड नेम? अंकित राज। तो अंकित जी, थोड़ा मुझे बताएं कि ये जो आपका ये सिस्टम है, ये जो वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका पर्पस क्या है? कंपनी का नाम सौर्यान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। ओके। हम लोग WMS प्रोवाइड करते हैं फॉर सोलर पावर प्लांट्स के लिए, जो मेगावाट। WMS का क्या मतलब फुल फॉर्म हो गया? वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम सर। ओके, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है जी। हम वेदर को मॉनिटर आउट करते हैं सर। ये हमारा ट्राईपॉड हुआ जी। इस ट्राईपॉड में हम लोग विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन जी, पायरोनोमीटर्स, ओके, एयर टेम्परेचर एंड एयर ह्यूमिडिटी एंड हमारे जितने भी सेंसर हैं वो हमारे डेटा लॉगर से कनेक्टेड है सर। ओके ओके। ये डेटा लॉगर आपको ऑन साइट मॉनिटरिंग करके दे रहा है और इसका आउटपुट RS-485 है। ओके। जिसका आप स्काडा के सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा ये सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम है सर। इसे सॉइल मॉनिटरिंग SMS है सर। SMS बोलते हैं सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम सर। ठीक है। ये क्या होता है, एक PV क्लीन है और एक PV डस्टी है सर। क्या होता है, हमें मैनुअली लोग डेली क्लीन करते हैं सोलर पार्ट्स। जी जी जी। अच्छा, क्या करते हैं हम लोग, जो सैंपल है ये, ओके, एक PV क्लीन और PV डस्टी है सर। ओके। ये हमारा SMS सिस्टम है। ओके। ओके। इससे क्या होता है, ये दोनों की इफिशेंसी को हम लोग मेजर करते हैं इस सिस्टम से। हाँ, इन दोनों का, ये दोनों के इफिशेंसी, क्लीन वाले कितने जनरेट कर रहे हैं और डस्टी वाले कितने जनरेट कर रहे हैं। अच्छा। हमारा जो पावर जनरेशन प्लांट है उनका PR वैल्यू X है, तो ये X माइनस कितना कर रहा है और हमें कब जरूरत है इसे क्लीन करने की, वो भी बताएगा। मॉनिटर आउट करते हैं, ये मॉनिटर करता रहेगा। यस। तो ये जो क्लीन और नॉन क्लीन के लिए अलग अलग सिस्टम लगता है कि एक ही मुझे पता चला? नहीं सर, एक ही सिस्टम से हम दो PV डस्टी और PV दोनों को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और दोनों का ये अलग अलग तरीके से बताएगा। जब हमारा PR वैल्यू से कम हमारा जनरेशन होता है तो हम सारे को क्लीन कर देते हैं, अदरवाइज हम रहने देते हैं। तो क्लीनिंग करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस करते हैं? वो भी आपके पास मैनुअल है सर, हम लोग ऑटोमेटिक जो करते हैं। जी जी। तो ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअल आउट करते हैं सर, हम लोग मॉनिटर करते हैं सर। ठीक है। ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है और दूसरा आपने ये बताया है ये सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम कि धूल कितनी है और वेदर में कितना रेडिएशन है, कितनी गर्मी है। ये हमारा क्विंस है सर। ये हमारा क्विंस है फॉर रूफ टॉप सोलर्स के लिए। रूफ टॉप के लिए? हाँ, रूफ टॉप सोलर्स के लिए है। अगर ये सारे जितने भी है ये ग्राउंड माउंटेड सोलर्स के लिए। अच्छा, ग्राउंड माउंटेड के लिए। ये रूफ टॉप्स के लिए क्विंस हमारा। इसमें 18 सेंसर हैं सर, सोलर ई रेडिएशन, मॉड्यूल टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन। ये एडवांस ज़्यादा फीचर है? नहीं सर, रूफ टॉप के लिए सर। ओनली स्पेशली फॉर रूफ टॉप, दिस इज ग्राउंड माउंटेड। इनका बजट 50K से स्टार्ट होता है। अच्छा, 50,000 से स्टार्ट होता है सर। ठीक। ये मैंडेटरी क्या आजकल हर जगह लगना, ये मतलब जितने भी पावर प्लांट्स लगते हैं? ये WMS का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है कि सर जनरेशन, हमारे पावर प्लांट के जनरेशन को क्या इफेक्ट कर रहा है मॉनिटर जी, वेदर क्या कर रहा है सर, उसको मेजर करने के लिए और हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। ठीक है। सिंपल, जैसा कि एयर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है हमारा। हाँ। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारा डस्ट पे जो डस्टी है, जो हमारे प्लांट्स पे डस्ट लग रहे हैं, वो मोटे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ठीक ठीक है। तो हमें उसको क्लीन करने के लिए, अगर एयर ह्यूमिडिटी हमें बता रहा है कि आज ह्यूमिडिटी कम है, तो डस्ट वो ऑटोमेटिक हवा से निकल जाएगा, उसे क्लीन करने की जरूरत नहीं है, तो हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी की जा सकती है इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अच्छा, ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या ये गवर्नमेंट में भी लगते हैं? बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं सर। और आपके ये प्रोजेक्ट्स जो हैं क्या अप्रूव्ड है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? सर, किस किस डिपार्टमेंट में अप्रूव है आपके? हमारा ISO मार्क है सर। क्या MNRE की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की इसमें रखती है सर्टिफिकेशन? ये हमारे अगर सर्टिफिकेशन, ये हमारे सर्विस इंजीनियर है जी जी, ये आपको बता सकते हैं सर सर्विस के लिए। मुझे थोड़ा बताएं कि इसमें जो गवर्नमेंट में आप सप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन की आपके पास अवेलेबल है? सी सर्टिफिकेट और NABL से कैलिब्रेशन करा के लेते हैं। अच्छा, कैलिब्रेशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारे दिए। अच्छा, इन्हीं डिपार्टमेंट्स में आपने दिया जिसमें कि आपका NTPC है, रेडा है, ONGC इंडिया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। ओके, इन डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी आपने सप्लाई किया हुआ है और ये है। तो यहाँ पे अगर कोई अगर लगाना चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्टर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ले सकता है और आप सर्टिफिकेट के साथ ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा नंबर हुआ सर जी जी, इस नंबर पर अगर जी आपका ये नंबर इसमें आ गया है सर, अंकित राज जी का नंबर भी आ गया है यहाँ पे। और इसके अलावा हम इनके लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत इनको कंग्रेचुलेशन करते हैं और इनको
थैंक्स भी करेंगे कि भाई इन्होंने हमें टाइम दिया ये वीडियो बनाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।